Good morning students, I am Anju ma'am, your EVS teacher from SP Public School Katrathli. Students, जैसा कि अपना chapter number 5 चल रहा था, plants around us, तो इसके बारे में हमने root system और shoot system के बारे में देख लिया था. तो देखो students, shoot system में हमने क्या देखा था, कि it consists of the stem, branches, leaves, flowers and fruits. अब आज स्टूडेंट्स हम किसके बारे में रीड करेंगे. आज स्टूडेंट्स हम शूट सिस्टम के जो पार्ट्स हैं फ्लावर्स, इसके बारे में रीड करेंगे. आज मैं फ्लावर्स के बारे में आपको बताऊंगी. तो आप ही अपनी बुक को ओपन करो और पेज नंबर निकालो 30. तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ्लावर्स क्या होते हैं. देखो, फ्लावर्स इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी ये प्लांट का एक बहुत ही आकर्षक पार्ट होते हैं. जैसे कि हम सब फ्लावर को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं. सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, लगते हैं ना. तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अभी देखेंगे. तो डिफरेंट साइज के होते हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज होती है फ्लावर्स की. फ्लावर्स कंटेन ए येलो ग्रेनी एंड पाउडर लाइक थिंग कॉल्ड पोलन, यानी एक पीले रंग का ग्रेनी लाइक पाउडर होता, उसको हम पराग के नाम से जानते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, ये फ्लावर कैसे बनते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं. द पोलन स्टिक्स टू द बॉडीज ऑफ बटरफ्लाइज, मॉथ्स, वेब्स, बीज एंड बर्ड्स दैट विजिट फ्लावर्स टू सक नेक्टर. यानी ये क्या करते हैं कि जैसे बटरफ्लाइज होती है, मोथ होती है, बीज या अन्य जो बर्ड्स होते हैं वो फूलों का रस चूसते हैं. एज दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनोदर द पोलन गेट्स ट्रांसपोर्ट, और जैसे ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो जो पोलन होता है, पराग जो होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. वाटर एंड विंड आल्सो कैरी पोलन फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनोदर इज कॉल्ड पोलिनेशन. अब पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी हम फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में अभी स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में पिस्टल. पिस्टल क्या होता है, देखो पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, यानी ये क्या, कौन सा पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है. और इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके थ्री पार्ट होते हैं. कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरे. ये थ्री पार्ट्स होते हैं किसके, फ्लावर के. कौन से के, पिस्टल के. तो जैसे कि इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, कौन से वाला, ये वाला, ये किस में आएगा, ये आएगा पिस्टल में. और इसी के थ्री पार्ट्स हो गए. थ्री कौन कौन से हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरे. ये थ्री पार्ट्स हो गए किसके, पिस्टल के. अब इसके बाद में स्टूडेंट्स देखो क्या आता है, स्टेमन्स. स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यानी स्टेमन्स जो होता है ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है. और इसके भी कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट होते हैं. कौन कौन से, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट. यानी इसके भी टू पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट, जो कि ये मैंने पिस्टल जो बताया था इसी के आसपास होते हैं. अब इसके बाद में आता है पीटल्स. अब पीटल्स कौन सा होता है, देखो ये जो ये रेड कलर की जो पंखुड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये पार्ट होता है पीटल्स. पीटल्स हेल्प अट्रैक्ट पोलिनेटर्स सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज, यानी ये जो पार्ट होता है, ये बटरफ्लाइज और बीज वगैरह होती है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है. और उसके बाद में क्या होता है, सेपल्स. सेपल्स कौन सा पार्ट होता है, जो ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वो किस में आएगा, सेपल्स के अंदर आएगा. तो देखो स्टूडेंट्स, स्टिंगी ग्रीन लीफ, जो हरे कलर की जो छोटी छोटी जो ये लीव जो होती है ना, ये वाली, ये आएगी सेपल्स में. दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड्स, और ये डेवलपिंग जो बर्ड्स होती हैं उनको अट्रैक्टिव, यानी प्रोटेक्ट, उनका बचाव करती हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, फ्लावर के बारे में आपको अच्छे से रीड करना है
और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको सही ढंग से रीड करना है। थैंक यू।